नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम आसानी से घर पे जो है खजूर का शेक बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और फटाफट बन जाता है। और खजूर जो होता है वो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अगर आप इसको विंटर में या तो सर्दियों के सीज़न में खाएंगे तो आपके शरीर में जो है वो खून बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और पूरा शरीर हेल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमने ब्लैक खजूर जो आता है वो यूज़ किया है। तो उसके जो मैं अंदर से बीज निकाल दिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। उसके अलावा यहाँ पे इलायची को मैं कूट के लिए लिया, आइस क्यूब्स लिए हैं। और यहाँ पे जो है हमने ड्राई फ्रूट के काट के लिया है, पिस्ता काट के रखा है, चीनी 3 चम्मच ली है, 1 गिलास दूध लिया है। और उसके अलावा थोड़े से फ्लेवरिंग के लिए हमने चॉकलेट सिरप और चोको चिप्स ले लिए हैं। तो इसको देख लेते हैं हम कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान है। खजूर को जो है हम चार में डाल देंगे और चीनी डाल देंगे और दूध को डालेंगे। इलायची पाउडर को भी डाल देंगे। हमारा जो शेक है वो ग्राइंडिंग हो चुका है। बार फिर से खोल के देख लेते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे इसको जो है वो लास्ट में सर्व करने के लिए निकाल देंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे। जो है और उसमें थोड़े से पिस्ता डाल देंगे और ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मुझे चोको चिप्स बहुत पसंद है, मैं हर एक चीज़ में यूज़ करता हूँ, तो चोको चिप्स भी डाल देंगे। इसमें आप जो है और कुछ भी आपको फ्लेवरिंग के लिए डालना हो, जैसे ये सेव आती है चॉकलेट की, वो भी डाल सकते हैं। ये हमारा जो है खजूर का जो शेक है वो रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये पैटर्न भी आ रहा है चॉकलेट सिरप जो है इस पर स्प्रेड किया था इसके वजह से, और ऊपर से एकदम बढ़िया गार्निशिंग जो हो रहा है वो दिख रहा है, गार्निशिंग में किया है वो दिख रहा है। ये बनाना बहुत ही आसान है और ये जो मार्केट में मिलता है उससे ये बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि मार्केट में जो होता है ये लोग पैसे बचाने के लिए अंदर एसेंस और क्या क्या चीज़ें डालते हैं जो हमने सोची भी नहीं होती है। तो उससे अच्छा है कि आप घर पर बना के खाइए, और ये बच्चों को भी आप देंगे। बच्चे जो होते हैं खजूर डायरेक्टली खाते नहीं है कई बार, तो उसको ये खजूर का शेक बना के देंगे तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है वो भी कम हो जाएगी। तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और सर्दियों में तो ये आप हर रोज़ पिए तो आपका जो हेल्थ है पूरे साल तक के लिए बढ़िया हो जाएगा, और जो भी आपकी बीमारी होगी शरीर में वो निकल जाएगी।